अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर पनीर की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनी थी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उस कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा तेल, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे क्योंकि हमें बस पनीर को शैलो फ्राई करना है। उसमें ये हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हमने घी ऐड किया और इसमें हमने पनीर ऐड किया जिसको मैंने डाइस करके कट कर लिया था। इसे हम हल्का ब्राउनिश आने पे तक इसे फ्राई करेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुका है यहाँ पे। अब इसे हम हल्के गुनगुने पानी में रख देंगे ताकि जो पनीर है वो सॉफ्ट रहे। और फिर उसी पैन में हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने डाइस कट कर लिया है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो प्याज को हम यहाँ पे हल्का फ्राई कर लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्याज लिए थे, फिर मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली ली, कुछ लहसुन की कलियाँ ली है और यहाँ पे हम एक अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और इसमें अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे थोड़ा पकने तक। फिर हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद इसमें हम हल्का सा यहाँ पे नमक भी ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है हमारे वो सॉफ्ट हो जाए और इसे हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। ये हमारा पक चुका है, इसका अब हमने पेस्ट बना लिया है। फिर अब उसी पैन में थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे। थोड़ा तेल ऐड करके अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है, तेज पत्ता डाला है, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है यहाँ पे, धनिया का पाउडर डाला है, हल्दी का पाउडर डाला है और इसे थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे यहाँ पे 30 सेकेंड्स तक। फिर हमने जो पेस्ट बनाया हुआ था वो हम यहाँ पे डाल देंगे अच्छे से। वही पेस्ट के बर्तन में ही पानी लेके इसे ऐड कर देंगे और इसे ढक के हम पेस्ट को थोड़ा पका लेंगे। ये हमारा पेस्ट जो है वो यहाँ पे पक चुका है, थोड़ा सा नहीं मतलब पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मलाई। जो ये मैंने मलाई ली है वो मेरे घर की मलाई है, मैंने खुद से निकाली है मलाई। तो आप मलाई बाहर वाले भी ऐड कर सकते हो और घर पे है तो वो भी ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छे से हम मिला के फिर कुछ देर तक उसे और पका लेंगे। फिर हम यहाँ पे मटर अब हमने मिला दिया है। मटर मैंने ताज़े मटर लिए थे इसलिए मैंने उसे बॉईल नहीं किया। आप फ्रोज़न मटर लिए कुछ भी लिए तो उसे थोड़ा बॉईल कर लेना कि वो सॉफ्ट जाए। और अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो हमारे मटर है वो अच्छे से थोड़ा कुक हो जाए मसालों में। इसे ढक देंगे। ये हमारा मटर जो है यहाँ पे कुक हो गया। अब उसमें हमने जो पनीर फ्राई करके रखा हुआ था वो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और पानी मिला देंगे। आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, आपको खड़ी रखनी है पतली रखनी है। फिर यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे और इसे ढक के हम पका लेंगे। ये हमारा जो पनीर है वो मटर पनीर वो रेडी हो गया है यहाँ पे। अब हम इसमें यहाँ पे गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे, थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे और यहाँ पे हम लास्ट धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने धनिया ऐड कर दिया, इसे अच्छे से थोड़ा एक दो मिनट तक पका लेंगे। ये हमारा मटर पनीर रेडी है। आप भी इसे ट्राई करें और ऐसे मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और प्लीज़ मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ID मैंशन कर दी, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा।